नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डीपी मेमोरियल। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे कि 25 साल से 40 साल की महिला अत्यंत परेशान है। चाइल्ड बियरिंग एज में होने वाली ये सबसे कॉमन बीमारी है और इस बीमारी की वजह से IVF सेंटर, इनफर्टिलिटी सेंटर के चलने में इस बीमारी का सबसे बड़ा योगदान है। और ये बीमारी है PCOD या PCOS। PCOD स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसे PCOS भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम एक बीमारियों का कलेक्शन होता है। कई सारी इंडिविजुअल बीमारियां जब शरीर में एक साथ आती है तो उसके कलेक्टिव, उसके सामूहिक फॉर्म को हम सिंड्रोम कहते हैं। तो PCOD एक बीमारी नहीं, एक सिंड्रोम है। चलिए जानते हैं इसके क्लासिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। हम लोग अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए, हेड टू टो की तरफ आए, तो सबसे पहले हेयर, अनकंट्रोल्ड हेयर फॉल। थोड़ा अंदर चलें, मूड स्विंग्स। PCOD पेशेंट्स के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा नीचे आए, फेस पे एक्ने और पिंपल्स। थोड़ा और नीचे आते हैं, अनवांटेड फेशियल हेयर्स। बहुत सारी फीमेल्स PCOD की वजह से एम्बैरस रहते हैं क्योंकि उनके अपर लिप और लोअर लिप और चिन पे काफ़ी हेयर्स होते हैं जिसके लिए उनको बार बार वैक्सिंग करानी पड़ती है। थोड़ा और नीचे चले, ओबेसिटी। PCOD पेशेंट को वेट लॉस करना बड़ा मुश्किल होता है, उनका वजन लगातार उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। थोड़ा और नीचे चले, इररेगुलर पीरियड्स। उनके मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही ज़्यादा इररेगुलर रहते हैं। किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, किसी को बहुत कम होती है, किसी के बहुत शॉर्ट पीरियड पे से जाते हैं, किसी के बहुत लॉन्ग पीरियड पे, कई कई महीने, छः छः महीने, एक एक साल तक इनके पीरियड्स एबसेंट होते हैं। और इसी एबसेंट पीरियड की वजह से छोटे छोटे फॉलिकल्स, छोटे छोटे सिस्ट ओवरी के चारों तरफ जमा हो जाते हैं जिसे पॉलीसिस्ट कहते हैं। और चूंकि ये ओवरी में होता है इसे पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं और ये हमें पता लगता है अल्ट्रासाउंड से। तो ये कुछ क्लासिकल साइंस थे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के। PCOD का सक्सेस रेट मेरी क्लिनिक पे स्टोन, एलोपेशिया और साइनोसाइटिस से भी ज्यादा अच्छा है। और PCOD का जितने लोगों ने टिक करके और भरोसे से इलाज कराया वो सभी ठीक हुए हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक केस आपके सामने लाया हूँ, क्योर्ड केस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का। ये पेशेंट मेरे पास दिसंबर 2020 में आई थी, ये एक दूसरे पेशेंट के द्वारा रेफर की गई थी। और जब मैंने इनके सारे केस लिए, सारा केस टेकिंग करके जब टोटेलिटी मैंने निकाली, तो जो मेडिसिन सबसे पहले या सबसे ऊपर आई वो थी लाइकोपोडियम। आप जैसे सिम्टम्स देख सकते हैं और रिपीटेशन टेबल भी आप देख सकते हैं कि इसमें लाइकोपोडियम सबसे ऊपर है। लेकिन मैंने लाइकोपोडियम से ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। यहाँ पे एक पेज है, मेरे होम्योपैथी कलीग्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डॉक्टर केंट ने कहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होम्योपैथ एवर डॉक्टर केंट, उन्होंने कहा है कि कभी भी क्रोनिक डिजीज की ट्रीटमेंट लाइकोपोडियम से शुरू नहीं करनी चाहिए, वो पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। बीमारी ठीक करने के बजाय वो बीमारी को और कॉम्प्लिकेट कर सकती है। तो क्या किया जाए? तो इसके पहले लाइकोपोडियम एक ऐसी रेमेडी को बहुत अच्छे से फॉलो करता है जो कि एंटीसोरिक है, और क्रोनिक डिजीज में एंटीसोरिक से ट्रीटमेंट करना बहुत ही अच्छा बताया गया है। और मैंने जो इस पेशेंट को दिया वो मेडिसिन थी कल्केरिया कार्ब, जो कि रिपीटेशन टेबल में ये भी वेल इंडिकेटेड है। जब मैंने कल्केरिया कार्ब से इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, दो हफ्ते के लिए मैंने कल्केरिया कार्ब इनको प्रिस्क्राइब किया LM पोटेंसी में 0/1 LM1, तो एक महीने में इनको कुछ खास अंतर नहीं लगा। ऑब्वियसली क्योंकि ये इनके इंडिकेटेड मेडिसिन नहीं थी। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, पेशेंट सेटल हुआ, मेंटली बढ़िया फील कर रहे थे पेशेंट, लेकिन कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई। इसके बाद जो मैंने ट्रीटमेंट शुरू की वो थी प्रॉपर लाइकोपोडियम, 0/1 से मैंने शुरू किया LM1। LM1 मैंने दो हफ्ते तक दिया, दो हफ्ते में पेशेंट को काफ़ी रिलीफ फील हुआ, उनके पेन, ब्लॉटिंग वगैरह जो होती थी पीरियड्स के समय वो काफ़ी कम हुए और पेशेंट भी अच्छा फील कर रहे थे, हेयर फॉल में भी उनको इम्प्रूवमेंट दिखी। फिर मैंने लाइकोपोडियम 0/2 और 0/3 एक महीने के लिए कंटिन्यू किया। 3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस किया तो अल्ट्रासाउंड में इन पेशेंट की राइट ओवरी लगभग ठीक हो चुकी थी, राइट ओवरी का सिस्ट ठीक हो चुका था। अब मैंने इनकी रीकेस्टेकिंग करी। रीकेस्टेकिंग करके जब मैंने एलिमिनेशन मेथड अपनाया, रिपीटेशन का एक प्रोसेस होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के बाद जब मैंने लेफ्ट ओवरी को प्रायोरिटी दी तो जो मेडिसिन फर्स्ट रैंक पे आई वो थी लैकेसिस। लेफ्ट ओवरी में कॉम्प्लेक्स हेमोरोजिक सिस्ट था और लैकेसिस इसके लिए बेहतरीन रेमेडी थी। फिर मैंने लैकेसिस से ट्रीटमेंट शुरू किया, लैकेसिस 0/1 0/2 0/3, इस तरह से ग्रेजुअली मैंने 3 मंथ्स तक इनको लैकेसिस दिया। लैकेसिस चलाने के बाद इनकी इंप्रूवमेंट और बढ़िया हुई, इनके पीरियड्स रेगुलर होने लगे, पेन होना बंद हो गया,
ब्लॉटिंग खत्म हो गई, हेयर फॉल काफ़ी ठीक हो गए, फेशियल हेयर लगभग ठीक हो गए और ओबेसिटी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। लेकिन चूंकि इनकी ओबेसिटी पेट और थाई के एरिया में ज़्यादा थी तो वो कंट्रोल होना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब 3 महीने बाद टोटल 6 महीने जब हुए तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो इनकी दोनों ओवरी लगभग हेल्दी हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा फ्लूड पेल्विक एरिया में जो इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो एरिया होता है उस एरिया पे थोड़ा फ्लूड जमा था। तो मैंने पेशेंट को और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा। 3 महीने के बाद जब फाइनल रिपोर्ट आई तो दोनों ओवरी में डोमिनेंट फॉलिकल्स थे। तो ये जो डोमिनेंट फॉलिकल्स देख रहे हैं वो डोमिनेंट फॉलिकल्स नॉर्मल फॉलिकल्स होते हैं। ये वो फॉलिकल्स होते हैं जिससे कि एग बाहर आते हैं, ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। तो इस तरह से ये पेशेंट 8 महीने के ड्यूरेशन पे, इनफैक्ट ये 6 महीने में ही ठीक हो चुकी थी, लेकिन इन्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमने थोड़ा समय और लिया, पेशेंट ने भी थोड़ा समय और दिया और उसके बाद ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों, पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि होम्योपैथी से अच्छा पीसीओडी पीसीएस का ट्रीटमेंट कहीं नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज जो कि इनक्यूरेबल की कैटेगरी में आता है मेडिकल साइंस में, वो होम्योपैथी से कितने अच्छे से बहुत कम समय में ठीक हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्द आऊंगा आपके पास कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली होम्योपैथी क्योर्ड केसेस, कुछ ऐसे क्योर्ड केसेस जो कि अमेजिंग थे और ये इनक्यूरेबल की कैटेगरी में आते थे, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरायसिस और बहुत सारे ऐसे केसेस। तो साथ मत छोड़िएगा डीपी मेमोरियल का। मैं बहुत जल्द आऊंगा आपके पास एक नए क्योर्ड केस के साथ। तब तक होम्योपैथी के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।